सर जी। सर मैं दविंदर राजपूत जनसावा टीवी एक्सप्रेस तो सर थोड़ा स्वागत करता हाँ। सर थोड़ी अज लुधियाना जिले में जिम ओनर्स की मीटिंग हुई है सर, वो वास्ते सरकार अगर कोई मंग या पक्ष या अपना कोई सुझाव की रखना चाहते हो? मैं अमरजीत सिंह, प्रेस सैकटरी पंजाबी एम्यूचर बॉडी बिल्डिंग एसोसीएशन। मेरा खुद का भी एक जिम है लुधियाना रॉयल क्लब ताजपुर रोड से, जो कि जिमें कि सारियां पता ही है कि 22 तरीक तो करोना वायरस महामारी के चलते हुए 22 मार्च तो पूरे इंडिया के लॉकडाउन हो गया सी। पर जिड़े जिमों वाले हुक्म हुए थे जिन्हों एक हफ्ता पहले ही जिम बंद कर भाव 15 मार्च में ही हो गए थे, जिसके कारण अच्छ 2 महीने पूरे हो चुके हैं तो साड़ी जिम इंडस्ट्री और फिटनेस इंडस्ट्री पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी है। कोई रोज़गार का कोई होर वसीला नहीं है। पर उस तो बाद कि 70-80% जिम ने जो कि किराए की जगह पर चलते हैं, हम सानू जिम ओनर्स वाले किराया देना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि कोई कलैक्शन नहीं हुई हैगी। उस तो बाद बिजली के बिल भी आने शुरू हो गए हैं जो कि एवरेज के बेस से। असी सरकार तो यही मांग करते हैं कि जा साडा एक किराया माफ करवाया जा सके, तो जिहड़े बिजली के बिल एवरेज के आते हैं एवरेज के आने की बजाय रीडिंग लैके दिते जाण तो ज़्यादा वधिया होएगा। पर जिम मालकों में होर भी समस्यावान जिमें जिम इंडस्ट्री के कले जिम मालिक ही नहीं, इस इंडस्ट्री के नाल कोच भी बड़े प्रभावित हुए हैं। कोच, डाइटिशियन या सप्लीमेंट स्टोर वाले बहुत वड्डी इंडस्ट्री है जिहदा पूरी का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होया। तो असी मंग करते हैं जिमें कि पंजाब गौरमेंट ने इंडस्ट्री नूं खोलण की जां दुकानां नूं खोलण की कंडीशनस के उत्ते परमिशन दी है, जां ठेके खोलण की शराब पर परमिशन दी है। तो असी मंग करते हैं सरकार कोलों कि साडी इंडस्ट्री नूं भी उस कंडीशन के उत्ते जिम खोलण की परमिशन दी जा सके, जिस तो असी अपने परिवार को भुखमरी तो बचा सकीए। तो असी फिटनेस इंडस्ट्री के नाल रिलेटड होने करके असी बीमारियों को लड़न के लिए लोगों को कसरत उत्साहित करन दे लिए साडी जिम जो भी कंडीशनस होणगियां ते असी उन्होंने पालना हुक्मों की पालना करते हुए असी इस जिम इंडस्ट्री को दोबारा चलाने के लिए सरकार को मांग करते हैं।